यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बोईसर क्षेत्र में ट्रक में भरा 9 टन यूरिया खाद जब्त। बड़े यूरिया माफिया रैकेट की मिलीभगत का अंदेशा। पूर्व कोंकण पाठम दारे उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त जगदीश धोड़ी ने यूरिया माफिया पर कार्रवाई की कर दी मांग। महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर पुलिस स्टेशन की हद में पुलिस ने यूरिया को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ट्रक में भरे तकरीबन 9 टन यूरिया को जब्त किया है, जिसकी कीमत लाखों रुपये में बताई जा रही है। मौके पर कृषि अधिकारी की टीम ने पहुंचकर ट्रक में भरे यूरिया माल का सैंपल लेकर नासिक के एक लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। ट्रक ड्राइवर ने यूरिया तारापुर MIDC के प्लांट नंबर W11 से भरकर गुजरात के एक कंपनी में ले जाए जाने की बात कही है। पूर्व कोंकण पाटमदारे उपाध्यक्ष जगदीश धोड़ी, जिनको महाराष्ट्र शासन ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया हुआ है, ने इस प्रकरण में यूरिया माफिया पर कार्रवाई की जोरदार मांग उठाई है। आपको बताते चले, यूरिया जिसे कृत्रिम खाद भी कहा जाता है को एक निश्चित प्रणाली के तहत सरकारी कंपनियों द्वारा निर्मित करवाकर किसानों तक सस्ते दर पर पहुंचाने का कार्य खुद शासन द्वारा किया जाता है। ऐसे में इस प्रकार का ट्रक में यूरिया मिलने से क्षेत्र में चर्चा का बाजार गर्म हो चला है। वीडियो में आगे सुनिए कृषि अधिकारी के साथ जगदीश धोड़ी का बयान। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। अपन कृषि अधिकारी आहत, अपन ही जो यूरियाचा एक ट्रक पकड़ने आला है, बोईसर पुलिस स्टेशन आणलेला आहे, काय प्रकार आहे सर्व? सर, हे मला पोलीस स्टेशनमधून साळुंके साहेबांनी फोनवर कळवले होतं, त्याप्रमाणे मी 15 मिनिटात तिथं गेलो। तिथं ही जी गाडी पकडली होती, तर त्या प्रथम दर्शनी त्या गाडीमध्ये इंडस्ट्रियल यूजचा टेक्निकल ग्रेडचा युरिया आढळून आलेला आहे। परंतु ते आपण पूर्ण तपासणीसाठी ते पोलीस स्टेशनमधून गाडी आणून तिथून आपण सॅम्पल घेतलेत। ते सॅम्पल आपण गव्हर्नमेंटची जी लॅब आहे, फर्टिलायझर कंट्रोल लॅबोरेटरी नाशिक, इथं आपण ते पाठवणार आहोत। तर त्याचा अहवाल आल्यावर ते आपल्याला कळणार आहे ॲग्रिकल्चर आहे की इंडस्ट्रील आहे, मग त्याच्यावरनं पुढील कार्यवाही केली जाईल। सर, हा युरिया भरला कुठे आणि कुठे जाणार होता, काय कल्पना? नाही सर, आता मी ते डॉक्युमेंट सगळं व्हेरिफिकेशन करेन, त्यावर मला कळेल सर। आता पोलिसांनी काय त्याची दखल घेतली वगैरे काय? नाही, पोलिसांनी फक्त मला कळवलं की अशा अशी गाडी आहे, ती त्याच्यामध्ये खत आढळून आलेलं आहे, तर ते तुम्ही या आणि बघा। मग मी आल्यावर पाहिलं तर ते त्या बॅगेवर इंडस्ट्रियल यूज टेक्निकल ग्रेडचा युरिया असं लिहिलेलं आहे। तर ते आता आपण त्याचं सॅम्पलिंग केलं, सॅम्पलिंग करून आपण ते नाशिकला पाठवणार आणि ते अहवाल प्राप्त झाल्यावर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल। सर, ओके। काल बोईसर तारापूर पोलीस स्टेशनने एक 9 टन का टेम्पो तारापुर इंडस्ट्री से बाहर जाते वक्त पकड़ा गया, जिसमें यूरिया और गए 2 साल से हम जो कृषि कार्यालय है वहाँ हम लोग तकरार कर रहे हैं कि किसानों का यूरिया बड़ी मात्रा में तारापुर इंडस्ट्री में आता है, कृषि कार्यालय इसकी कोई भी दखल लेता नहीं है और कार्रवाई के बारे में वो पीछे हट रहे थे। इस संदर्भ में हमारा बार बार पत्र व्यवहार हुआ है। कल का जो प्रकार हुआ है वो भयानक है। भिवंडी से निकला हुआ यूरिया जो चलन दिख रहा है उससे पता चलता है, अब वो भिवंडी से निकला है या और कहीं से, जांच का विषय है। और वो गुजरात जाने वाला था, लेकिन भिवंडी से निकली हुई गाड़ी गुजरात जाने के लिए वो तारापुर इंडस्ट्री में कैसे आएगी, और तारापुर इंडस्ट्री में से 9 टन यूरिया लेके वो हाईवे की ओर जा रही थी, और W11 जब ड्राइवर से पूछा जाता है तो वो W11 नाम बताता है कंपनी का, कंपनी हाथ खड़े करती है, तो एक्चुअली वो यूरिया उस टेम्पो में आया कहाँ से और जिस जगह से आया है वो कौन है, उस जगह पे जहाँ से आया है वो कौन है, और इसका रिकॉर्ड है कि नहीं। अगर इसका कहीं भी रिकॉर्ड ना हो तो ये यूरिया ब्लैक का है, शायद एग्रीकल्चर यूरिया हो सकता है, टेक्निकल बैग में भरा गया हो सकता है। ये बड़ा रैकेट तारापुर इंडस्ट्री में कार्यरत है और सबकी मिलीभगत से ये हो रहा है। आज पकड़े गए टेम्पो से ये पता चलता है कि यूरिया तारापुर इंडस्ट्री में आता है और बार बार आता है। इसलिए मेरी मांग है पुलिस से कि आप ये टेम्पो जहां से भी आया है वो, और जहां से ये माल आया है वो, वहां तक आपको जाना है। ये और बोईसर पुलिस स्टेशन के जो PI है, मुझे उनके ऊपर विश्वास है कि वो इसकी इंक्वायरी
ट्रांसपेरेंटली करेंगे, निपक्षपाती से करेंगे, और जो भी इसका मुख्य सूत्रधार है, कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर अपने ऊपर न लेते हुए इसकी इंक्वायरी करेंगे और मुख्य सूत्रधार को जेल के अंदर डालेंगे, ऐसी मेरी मांग है। नहीं, हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।